हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने कल देखा था 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफारिश पर 14 स्टेट बनाने की सिफारिश हुई। उसमें से एक था मध्य प्रदेश, जिसमें ये सब मिला के एमपी में 43 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। एक बार 14 स्टेट देख लेते हैं। एक आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, J&K, केरल, MP, मद्रास स्टेट, मैसूर स्टेट, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, UP एंड वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, ये 14 स्टेट बने। फिर आगे जाके ये कैसे 29 स्टेट में डिवाइड हो गया और फिर अभी आज की स्थिति में 28 स्टेट है, क्योंकि J&K वापस यूनियन टेरिटरी बन गया। ये सब हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए, उनमें से एक था MP, जो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल एंड मध्य प्रदेश से मिलकर बना था। यानी कि ये सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश, ये वाला मध्य प्रदेश और ये मध्य भारत पूर्वी रियासत है यानी विंध्य प्रदेश को मिलाकर एक मध्य प्रदेश बना। इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में चला गया था, बरार का। फ्रेंड्स, इंडिया में 7 स्टेट का फाउंडेशन डे 1 नवंबर को ही है, जो हम यहीं देख लेते हैं। 2 MP एंड छत्तीसगढ़ है, फिर पंजाब, हरियाणा है, केरल, कर्नाटक एंड राजस्थान। इन स्टेट का फाउंडेशन डे 1 नवंबर को ही है। हालांकि ईयर अलग अलग है, जैसे MP का 1956 है, छत्तीसगढ़ का 2000 है। तो इस तरह से 1 नवंबर 1956 को MP बना, जिसमें 43 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर 26 जून 1972 को BR यानी भोपाल और राजनांदगांव दो नए जिले बने। डाउट ये आ सकता है कि हमारा MP 1956 को बना था और भोपाल 1972 में डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, तो 1956 से 1972 तक कैपिटल क्या था? तो फ्रेंड्स, कैपिटल शुरू से ही भोपाल था, लेकिन जिला 1972 में आके बना, 26 जनवरी 1972। यहाँ पर BR आ रहा है, यानी कि भोपाल एंड राजनांदगांव, तो नेक्स्ट स्टेप में यानी नेक्स्ट लाइन में भी BR आएगा। इसका मतलब BR दुबे की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने, जो थे बड़वानी, श्योपुर, कटनी एंड इंडोरी। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म होते होते ये सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। फिर 15 दिन बाद ही 10 जून 1998 को 6 नए जिले बने, जो सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर बने। उनमें से 3 थे हरदा, उमरिया एंड नीमच। फ्रेंड्स, बाकी के जिले जो बने वो आज के छत्तीसगढ़ में हैं, इसलिए हम जो MP में हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। टोटल 10 बने थे, जो आज के MP में सिर्फ 4 हैं। 25 मई 1998 को 10 बने और 15 दिन बाद ही 10 जून 1998 को 6 बने। तो फ्रेंड्स देखें, 2000 में टोटल 61 जिले हो चुके थे। फ्रेंड्स, जो 25 मई 1998 को 4 जिले बने, टोटल 10 थे, लेकिन MP के जो 4 जिले बने वो थे बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बस कड़ी। यानी कि जो 25 मई 1998 को जिले बने, उन्हें सच में जिले बनाने की जरूरत थी। वो रोज रोज कड़ी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके हाथ में विकास बिल्कुल नहीं था, तो सिर्फ रोज कड़ी खाते थे, बस कड़ी। लेकिन जो 15 दिन बाद ही 10 जून 1998 को 3 जिले बने, उन्हें जरूरत नहीं थी जिले बनने की। वहां पर हर उम्र के आदमी ने सरकार को नीचा दिखाना शुरू कर दिया जिले बनाने के लिए। 25 मई को जो बने, उन्हें जरूरत थी, बस कड़ी खाते थे रोज रोज। लेकिन 10 जून 1998 को जो बने, वहां के हर उम्र के आदमी ने सरकार को नीचा दिखाया। हरदा, उमरिया, नीमच, ऐसे आप याद कर लेना। तो ईयर 2000 आ चुका है, 61 जिले हैं। हमें पता है 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होगा, तो छत्तीसगढ़ 16 जिले लेके अलग हो गया। ऐसे लिख लेते हैं छत्तीसगढ़, याद करना बहुत ही सिंपल है, ये बड़ी इजीली याद हो जाता है। छत्तीसगढ़ 16 जिले लेके अलग हो गया और MP के पास 61 माइनस 16 यानी कि 45 जिले बचे। यहाँ फ्रेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, 2000 में जब छत्तीसगढ़ 16 जिले लेके अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ के पहले CM थे अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ देश का 26th स्टेट बना था। अगर आज की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं और 5 संभाग हैं। जब ये टूटा था तब 3 संभाग थे। तो अब MP की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में इतना कर लेना। जब 2000 था तो MP के CM थे दिग्विजय सिंह। MP 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 संभाग को लेकर अलग हुआ था। फिर 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने, 2008 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने, 2013 में 1 डिस्ट्रिक्ट बना, 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट बना। तो हर 5-5 साल में डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, तो आप ये समझ गए होंगे कि नए जिले बनना चुनावी प्रक्रिया हो चुका है। 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने, जो तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही बनते हैं, अनूपपुर, अशोकनगर एंड बुरहानपुर। 2008 में 2 बने, सिंगर अली यानी कि सिंगरौली और अलीराजपुर। 2013 में आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग हुआ, और 2018 में निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट कैसे बटे, जिले कैसे बटे, वो आपको याद रखना है। BR भोपाल एंड राजनांदगांव, बस कड़ी यानी बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, और यहाँ पर 3 से अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर। 8 में 2 सिंगर अली, 13 और 18 का लेटेस्ट मानते हैं, तो याद हो जाता है आगर एंड निवाड़ी। कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो 52 डिस्ट्रिक्ट ये हो जाएंगे। 53वां जिला नागदा, जो उज्जैन से अलग होना है, और 54वां जिला बागली, जो देवास से अलग होना है। ये प्रस्तावित है लेकिन अभी तक ये बने नहीं है, तो हम आज की डेट में कंसीडर करेंगे। 52 जिले हैं MP में।
फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, ये जिले किससे टूटकर बने, जैसे बड़वानी जिला बना तो किससे टूटकर बना। उसको याद करने के लिए हम एमपी का एक मैप बना लेते हैं। ये बुरहानपुर थोड़ा नीचे है और बैतूल भी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, ये देखते हैं, और इधर आके बालाघाट थोड़ा नीचे है, एक गड्ढा इधर है। ये एमपी का रफ मैप है फ्रेंड्स। तो इसमें जिलों की थोड़ी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक गड्ढा यहाँ आपको दिखेगा जो यहाँ तक यूपी है, ये ललितपुर क्षेत्र है यूपी का यहाँ तक, और एक गड्ढा यहाँ दिखेगा जो छत्तीसगढ़ है। इसके एमपी के इस साइड यूपी है, ये छत्तीसगढ़ तो अलग हुआ ही है, इस साइड राजस्थान है जो यहाँ तक है, इस साइड थोड़ा सा गुजरात है, गुजरात सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट से टच करता है एमपी में, और यहाँ नीचे महाराष्ट्र है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पांच स्टेट हैं जो एमपी को टच करते हैं। इनमें से कुछ जिलों की लोकेशन बड़ी इजीली याद हो जाती है। जैसे ये गड्ढा है, गड्ढा यानी गहरा है, तो यहाँ पर गहरा सागर होगा, ठीक है। आज की स्थिति में 52 जिले और 10 संभाग हैं, 10 संभाग में से एक संभाग सागर संभाग है। तो यहाँ पे टीसीपी, जिन्होंने थोड़ा सा भी कंप्यूटर पढ़ा होगा वो जानते होंगे टीसीपी आईपी मॉडल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल चलाने के लिए, तो जिसको हम टीसीपी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें याद आता है टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह, ये पांच जिले सागर संभाग में आते हैं। तो अभी ये टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बन गया, तो अब 6 हो चुके हैं। तो ये लोकेशन हो गई टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह। और इस साइड आता है रीवा संभाग। रीवा को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा 1, 2, 3, 4 चार जिले आते हैं रीवा संभाग में, जिसमें से एक तो रीवा हो गया और बाकी के 3 एस से हैं, सतना, सिंगरौली, सीधी। सिंगरौली सबसे इधर है क्योंकि सिंगरौली सीधी से कटा था, तीनों एस लगातार नहीं है, तो सतना इस साइड आता है, फिर रीवा, देन सीधी एंड सिंगरौली, यानी कि सतना, रीवा, सीधी एंड सिंगरौली। सीधी थोड़ा सा पीछे है, यानी कि यूपी से टच करता नहीं है, थोड़ा सा पीछे है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ लोकेशन का आइडिया लगा रहे हैं कौन सा जिला किस क्षेत्र में पड़ सकता है। फ्रेंड्स ये वाला जो क्षेत्र है इसको निमाड़ क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें से दो हैं, एक है खंडवा और एक है खरगोन। अगर कभी आप कंफ्यूज होते हैं खंडवा ईस्ट साइड है या वेस्ट साइड, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे खान आ रहा है, खान, और यहाँ पे हम देखते हैं ये वेस्ट बंगाल है इंडिया में और इधर गुजरात है। तो अगर हमें खान को रखना है तो मोदी जी की तरफ रखेंगे या वेस्ट बंगाल की तरफ, तो डेफिनेटली हम वेस्ट बंगाल की तरफ खान रखेंगे, यानी कि ईस्ट निमाड़, इस साइड ईस्ट है ना, तो ईस्ट निमाड़ खंडवा है और वेस्ट निमाड़ खरगोन है। खान का जिस तरह से बुरा हाल है, कुछ मानते हैं कि बुरा हाल है, उसी तरह बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ है और खरगोन से अलग हुआ है बड़वानी। तो फ्रेंड्स ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है जो मैंने बुरहानपुर ही बनाया था, बुरहानपुर एमपी का सबसे लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर मुरैना सबसे टॉप में है और इधर भिंड। इस पॉइंट में नीमच, मंदसौर एंड रतलाम, ये याद रहते हैं तीनों, और इस पॉइंट पर बालाघाट जिसका सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है, और इस बाउंड्री पर हैं झाबुआ एंड अलीराजपुर। फ्रेंड्स ये जो है ये राजस्थान के भी कुछ जिले मिलाकर भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, हालांकि मांग अभी इतनी तेज नहीं है, लेकिन झाबुआ अलीराजपुर भी भील प्रदेश में आता है। फ्रेंड्स इतना कुछ याद कर किया तो भोपाल कैपिटल है उसको भी देख लेते हैं, जो सेंटर में है भोपाल। भोपाल के भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, आपको यहाँ बता देता हूँ, खुद भोपाल, फिर इधर एक आर यानी कि ऊपर राजगढ़ है, नीचे रायसेन, इधर विदिशा और इधर सीहोर। तो भोपाल संभाग की वजह से 4 जिले और याद हो जाते हैं, इधर राजगढ़, इधर रायसेन, इधर विदिशा, इधर सीहोर। विदिशा इजीली याद हो जाता है क्योंकि ट्रेन जो जाती है भोपाल से, जैसे ग्वालियर से भोपाल जाना है तो यहाँ से यहाँ यूपी के झांसी में जाएंगे, फिर ललितपुर होते हुए, विदिशा होते हुए भोपाल जाते हैं, तो उस तरह से यहाँ जो गर्दन है एमपी की शिवपुरी, उसका विकास इतना नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेन यूपी के झांसी और ललितपुर से होते हुए जाती है। फ्रेंड्स जब भोपाल देख ही लिया है तो इंदौर भी देख लो, इंदौर मिनी मुंबई है, वो इस साइड है और इंदौर के जस्ट ऊपर उज्जैन है। फ्रेंड्स अब आपको इतना बड़ा एरिया खाली लग रहा होगा जो जबलपुर का है, तो जबलपुर संभाग एमपी का सबसे बड़ा है एरिया वाइज। ये लोकेशन जबलपुर की है और पिछले सीएम जो थे वो छिंदवाड़ा से थे, छिंदवाड़ा पॉपुलेशन में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब फ्रेंड्स एक गड्ढा तो हमने भरा सागर से, सागर गहरा है, लेकिन ये वाला जो गड्ढा है ये छत्तीसगढ़ का है, इसके जस्ट पीछे है शहडोल। शहडोल यानी कि सुंदर, आपने सुना भी होगा, जो करे सूर्य नमस्कार उसने मिले सुडोला का। तो शहडोल ने उमरिया को तो छुपा दिया क्योंकि उमर कच्ची है उसकी, तो उमरिया इसके जस्ट पीछे है, छत्तीसगढ़ के से टच नहीं होता। लेकिन शहडोल का एक और पर्यायवाची है, वो है अनूपपुर।
अनूपपुर छत्तीसगढ़ को टच करता है। शहडोल से उमरिया और अनूपपुर ये दोनों अलग हुए हैं। ये एकमात्र ऐसा जिला है एमपी में जिससे दो जिले टूटे हैं, एक है उमरिया और एक है अनूपपुर। फ्रेंड्स, बातों ही बातों में एमपी के 52 जिलों में से 36 जिले की लोकेशन का आइडिया हमें लग चुका है। आगे बढ़ते जाएंगे तो बाकी के जिलों के बारे में भी पता लगेगा, लेकिन हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। 25 मई 1998 को जब 10 जिले बने थे, उनमें से एमपी के चार पड़ते हैं, बड़वानी, श्योपुर, कटनी एंड डिंडोरी, बस कड़ी खा के जिंदा रह रहे थे, वो किस जिले से टूटकर बने थे ये बताओ। तो बड़वानी जो है वो खरगोन से अलग हुआ था, हमने देखा यहाँ पे कि खंडवा खान यानी बुरहानपुर और खरगोन से अलग हुआ बड़वानी, तो बड़वानी तो खरगोन से अलग हुआ। श्योपुर, ये श्योपुर मुरैना से अलग हुआ था। कटनी कटा था जबलपुर से, और डिंडोरी डिंडोरी अलग हुआ था मंडला से। फिर 10 जून 1998 को हर उम्र के आदमी ने सरकार को नीचा दिखाया था, हरदा, उमरिया एंड नीमच, इनमें से नीमच मंदसौर से कटा था, वो बड़ा इजीली याद हो जाएगा आपको यहाँ की लोकेशन देख के, ये नीमच है ये मंदसौर है। उमरिया अलग हुआ था शहडोल से, क्योंकि शहडोल मतलब सुंदर और इसकी उम्र उमरिया, शहडोल से। एक और अलग हुआ था अनूपपुर, जो बाद में अलग होगा, अभी नहीं। हरदा अलग हुआ है होशंगाबाद से। वैसे फ्रेंड्स आपको पता होगा भोपाल के जस्ट बाद ही होशंगाबाद है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2003 में 3 जिले बने, अनूपपुर, अशोकनगर एंड बुरहानपुर। बुरहालपुर तो खंडवा से अलग हुआ था, करेक्ट। अनूपपुर पर्यायवाची है सुंदर का, सुंदर यानी शहडोल। अशोकनगर गुना से अलग हुआ था। 2008 में सिंगर अली, सिंगरौली और अलीराजपुर, अलीराजपुर को तो झाबुआ से अलग होना है और सिंगरौली सीधी से अलग होगा। 2013 में आगर मालवा बना जो शाहजहाँपुर से अलग हुआ, ये दोनों लेटेस्ट हैं, ये याद हो जाते हैं। 2013 एंड 18 वाला जो निवाड़ी है, 18 वाला अलग हुआ है टीकमगढ़ से। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 10 संभाग के बारे में देखेंगे। 10 संभाग में से आपको 2-3 संभाग में कितने जिले हैं वो डायरेक्टली याद हो गया है, एक सागर का और एक भोपाल का। भोपाल का कैसे, जब हमने ये भोपाल देखा था तो इधर रायसेन, इधर राजगढ़, इधर रायसेन, इधर विदिशा, इधर सीहोर, यही जिले हैं। सागर का TCP सागर दमोह, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।